गाइस फाइनली आज अजमेर शरीफ दरगाह पे देख सकते हो किन्नर समाज की तरफ से मौला अली के नाम की खड़ी हुई चादर शरीफ को लेकर के आ चुके हैं। सुभान अल्लाह। चादर से निकालते हैं 7 तारीख की चादर है ख्वाजा गरीब नवाज के सत्ते में। हम बहुत बहुत नवाज है, बहुत खुश है, बहुत बेशक। और ये देखिए मुंबई वालों की चादर भी आ चुकी, कितनी खूबसूरत प्यारी चादर को लेकर के आए मुंबई वाले। सुभान अल्लाह। इसके साथ साथ जानकारी करके बताऊंगा कि किन्नर समाज के लोग चादर कब से ला रहे हैं और इन लोगों की क्या मान्यता रहती है जो दरबार करीब नवाज में चादर लेकर आ रहे हैं, कब से लेकर के आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग में रहेगी, जैसे कि आपको पता है तो अजमेर शरीफ में रात हो या दिन यहाँ पे चादरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चादर फूल लोग आते हैं, पेश करते हैं। तो अभी एक चादर शरीफ आने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह मतलब यहाँ पे बहुत सारी चादर आती है। किन्नर समाज की चादर आई वो भी दिखाया, अब एक चादर आ रही वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये हमारा भाई सब्सक्राइबर है, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और वहाँ पर दरगाह बाजार जा रहा हूँ लेकर के आप लोगों को, क्योंकि किन्नर समाज के लोग आए हुए हैं और उन लोगों की चादर आ रही तो वही आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं धान मंडी में हूँ और धान मंडी में आप देख सकते हो यहीं पे किन्नर समाज के लोग कुछ हैदराबाद और दिल्ली से आए हुए हैं, वही चादर शरीफ को दरबार गरीब नवाज में पेश करेंगे। उन्हीं से चलते हैं, मुलाकात करते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी लेके बताएंगे आप। तो जैसे कि आपको पता है मैं अजमेर शरीफ में, और अजमेर शरीफ में यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं दरबार में चादर पेश करते हैं। तो यहाँ पे खासी तादाद में किन्नर समाज के लोग भी आते हैं जो दरबार में चादर पेश करते हैं। आप लोगों की चादर कब पेश होगी? हैदराबाद की मशहूर है और ये मेरी ये माहिरा है। मेरा नाम है मीना सैयद है मेरा नाम। हम हैदराबाद की चादर से निकालते हैं 7 तारीख की चादर है ख्वाजा गरीब नवाज के सत्ते में। हम बहुत बहुत नवाज है, बहुत खुश है, बहुत बेशक है। बस सारी आवाम को, सारी जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए इनके लिए, सारों के लिए हम दुआ करेंगे, खुश रहे, आबाद रहे, आप भी खुश रहो, आबाद। आपका चैनल बुलंदियों पे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। और बने रहे माशाल्लाह। वो मेरा भाई है, बहुत अच्छा मेरा भाई, इसका चैनल बुलंदियों पे, आसमानों पीछे इसका चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि आप चादर जो पेश करते हैं कब से पेश करते हुए आ रहे हैं, कितने साल हो गए पेश करते हुए? मैं तो हूँ 30 साल से मैं पेश करके आ रही हूँ जी। दूसरों को तो सदियों से आ रहे हैं जी। सबसे पहले हमारे किन्नौरों की चादर चढ़ती है और बहुत 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 खुशी से चादर चढ़ाते हैं, सच्चे दिल से, सच्चे मन से चढ़ाते हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे क्राउड लगने लग गए इसलिए मेरे को वीडियो पुश करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह जब इनकी चादर आएगी, मेरा नाम मीना है, माशाल्लाह मीना है, और इनकी मैंने पूरा वीडियो बना दिया है इनका। इंशाल्लाह जो पूरी चादर आएगी पूरा वीडियो पहले भी बनाया था वो भी जाके देख सकते हैं। आज रखे इनकी हर तमन्ना आरजू पूरी करे मेरा भाई की, सब मेरे चेले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा वीडियो मैं इनका बनाऊंगा, इंशाल्लाह नया वीडियो आ जाएगा। तो गाइस फाइनली मैं दरगाह बाजार में आ चुका हूँ, देख सकते हो कितनी खूबसूरत चादर आई है माशाल्लाह। और किन्नर समाज की तरफ से खासी तादाद में यहाँ पे चादर लाते हैं। अब किन्नर समाज वालों की चादर भी आने वाली वो भी दिखाते हैं आपको। तो दरगाह के मेन गेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी खूबसूरत प्यारी चादर को लेकर के आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चादर में कितना खूबसूरत नाम लिखा है, मौला अली का नाम लिखा हुआ है माशाल्लाह। चांद सितारा वाली ब्लैक कलर की चादर को लेकर के आए किन्नर समाज के लोग। और अजमेर शरीफ में इन लोगों की मान्यता अकीदा होती है, कहा जाता है गरीब नवाज सरकार ने इनकी मुराद थी, जो औलाद इन्होंने मांगी थी औलाद की मुराद इनको पूरी करी थी। जब से ये लोग यहाँ पे चादर को लाते हैं बड़े धूमधाम से दरबार गरीब नवाज में पेश करते हैं। बाकी और थोड़ी बहुत जानकारी करके मैं आगे बताऊँगा आपको।
तो देख सकते हो फाइनली यहाँ पर कितनी खूबसूरत प्यारी चादर एक और भी आ चुकी है। यहाँ पे फूलों की और कपड़े की चादर आ चुकी है, बहुत खूबसूरत चादर है। अब ये चादर कहाँ से वो भी जानकारी करके बताते हैं आप। जैसे कि आपको पता है मैं हर साल की तरह इस साल भी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा गाइस कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप वीडियो तो प्रो देते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अजमेर शरीफ से जो भी अपडेट और जो भी जानकारी रहेगी मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा जानकारी। We'll be right back.
तो देख सकते हो गाइस, मैंने जानकारी करी तो ये चादर के बारे में मालूम पड़ा कि चादर मुंबई से आई है माशाल्लाह, और काफ़ी खूबसूरत चादर लेकर के आए हैं। और ये जो आप देख रहे हो रक्स कर रहे हैं, जो लड़का रक्स कर रहा है, तो कहा जाता है इस लड़के के अंदर जिन मतलब साया है इसके अंदर, जो हाजिरी आती है इसके अंदर, तो हाजिरी वाला बंदा जो यहाँ पे ये रक्स कर रहा है, देख सकते हो। फाइनली मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरी वीडियो चुकी फाइनल, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मिस्टर खान अजमेर, जैन साहिल खान फेसबुक ऑन रहे। तो मिलते रहे शुरू में, बाय, अल्लाह हाफिज़।